अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब हैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन कोफ्ता कड़ी रेसिपी। आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हाफ के जी चिकन की मैंने ऐड किया है हाफ टी स्पून साल्ट, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून ऐड किया है क्यूमन सीड। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून अनियन पेस्ट। अनियन पेस्ट शामिल करने के बाद अब मैंने इसमें ऐड की है 1 ग्रीन चिली और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। चिकन और स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा ऑयल। ऑयल मैंने इसमें शामिल किया है 1 टेबलस्पून के करीब। और हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद अब मैं इनके छोटे छोटे से बॉल्स बना लूँगी। तो यहाँ पे हमारे चिकन बॉल्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और अब मैं करूँगी मसाला बनाने की तैयारी। देखिए, मैंने तकरीबन 1/2 कप ऑयल शामिल किया है और ऑयल डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए मैंने हीट अप किया है और इसमें 2 दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज शामिल कर दी है। अब मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। प्याज गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं और अब मैंने इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दिया है। अब मैं इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए कुक करूँगी ताकि गार्लिक भी थोड़ी देर के लिए कुक हो जाए और इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 दरमियाने साइज़ की कटी हुई टमाटर। टमाटर शामिल करने के बाद अब मैं मज़ीद इसको 5 से 10 मिनट के लिए कुक करूँगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। अब मैं इसमें शामिल करूंगी स्पाइसेस, हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसमें नमक ऐड किया है, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ टी स्पून करियंडर पाउडर। कुछ स्पाइसेस जो हैं वो मैं कोफ्ते में ऐड कर चुकी हूँ, इसी हिसाब से मैंने मसाले में इनकी मिकदार कम रखी है। और यह मैंने इसमें थोड़ी सी जो शामिल किया ग्रीन चिली और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और अब मैं इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए कुक करूँगी। मसाला अब मेरा तकरीबन रेडी हो चुका है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा पानी जो है आप साथ इसमें ऐड कर लें ताकि मसाला जो है वो आपका बिल्कुल भी जले नहीं। इससे आपकी जो मसाले की ग्रेवी है बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपने कोफ्ते। अब मैं चिकन बॉल्स को 1 बाय 1 मसाले में ऐड करती जाऊँगी। अगर बॉल्स की शेप कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो तो आप इसको अगेन हाथों की मदद से शेप देकर मसाले में शामिल करते जाएं। कोफ्ते को जोड़ने के लिए मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ शामिल नहीं की, लेकिन ये फिर भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, टूटेंगे नहीं। चिकन बॉल्स को टूटने से बचाने के लिए आपने जो एहतियात करनी है वो सिर्फ़ इतनी है कि जब आप इसको मसाले में शामिल करें तो आंच जो है वो आप थोड़ी सी स्लो कर लें और 1 बाय 1 इसको मसाले में ऐड करें और इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपने दम दे देना है और इसमें कुछ भी जो है वो चमचा वगैरह नहीं चलाना। तो जब आप इसको थोड़ी देर के लिए दम देंगे तो ये बिल्कुल जो है वो सेट हो जाएंगे। मैंने सारे जो है वो चिकन बॉल्स इसमें शामिल कर लिए हैं मसाले में। मैं इसको जो है
थोड़ा सा हिलाकर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पर दम पर लगा दूंगी। 5 मिनट के लिए कवर करने के बाद अब मैं इसका लिड हटा लूंगी। आप देख सकते हैं कि जो चिकन बाल्स हैं वो कुक हो चुके हैं और इसमें से जो पानी निकला है वो भी आहिस्ता आहिस्ता खुशक हो जाएगा। और अब मैं इसको यहाँ पे अच्छी तरह से जो है वो इस मसाले और चिकन बाल्स को भून लूँगी। चिकन कोफ्ते को आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है और जब ये अच्छी तरह से भून जाए और इसका ऑयल जो है वो निकल आए तो फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड कर लेना है। अब मैं इसमें 1 कप के करीब जो है वो पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करने के बाद इसको मैं 5 मिनट के लिए जो है वो लो फ्लेम पर कवर करूँगी ताकि जो बॉल्स हैं वो अच्छी तरह से अंदर से गल जाएं। आफ्टर 5 मिनट मैंने इसका लिड हटा लिया है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सब्ज़ धनिया। थोड़ी सी मैं इसमें बारीक कटी हुई अदरक शामिल करूँगी। तो अब मेरे चिकन कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अब मैं फ्लेम जो है वो टर्न ऑफ कर दूँगी। मेरी ये चिकन कोफ्ता की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।